बोलेंगे, बुलवाएंगे, हंस के सब कह जाएंगे। दोस्तों फिर से हाजिर हूँ मैं कुछ अटपटी चटपटी कुछ अनकही अनसुनी बातों के साथ, और हाँ नारीवादी चश्मों के साथ। अभी मैं छत्तीसगढ़ में हूँ और छत्तीसगढ़ में भी मैंने देखा है कि जो परंपरागत कपड़ा कहा जाता है, जो परंपरागत पोशाक कही जाती है महिलाओं के लिए, वो साड़ी ही मानी जाती है। तो ये हमारे भारत का ही कल्चर है कि साड़ी हर जगह मेन मानी जाती है, मेन ड्रेस है कि साड़ी पहनना, भारतीय नारी को साड़ी ही पहननी है। तो छत्तीसगढ़ में भी ये परंपरा अभी तक चली आ रही है। यहाँ के की लड़कियाँ या महिलाएं बहुत कम ऐसी हैं जो दूसरे ड्रेस पहनती हैं या सूट पहनती हैं, साड़ी ही यहाँ पे ज़्यादा मेन ड्रेस है। और बहुत कम लड़कियाँ हैं जो वेस्टर्न ड्रेस में नज़र आएंगी, वो भी बड़े शहरों में, ग्रामीण स्तर हुआ या छोटा शहर हुआ, तो वहाँ पे तो वही साड़ी ही दिखती है, या बहुत ज़्यादा हुआ तो कुछ लड़कियाँ सूट पहने दिख जाती हैं। साड़ी पहनन बेटा, लहंगा पेटीकोट साड़ी ब्लाउज, ये पुरानी ड्रेस है महिलाओं। हाँ, ये परंपरागत कपड़ा है ये। हाँ, तो इसमें अभी बदलाव नहीं है। हमार में नहीं है बदलाव, बहु बेटिया ही ते घर में भले हो सकते बदलाव बेटा, हमार में नहीं है बदलाव। हम सूट कभी पहरे नहीं, हम बचपन में हमार माँ बाप हमला सिखारी से एक कमीज और 25 रुपया लहंगा पेटीकोट वही पहरे। आपने सूट नहीं पहना कभी? कभी नहीं पहने, सलवार कमीज नहीं पहने कभी। क्यों? हमारे जमाना में तो सब हिस्से नहीं है ना। अभी तो हुआ, हो गया तो कैसे अभी पहनो, अभी कहूँ पहन लू तो मैं घर से निकल नहीं निकल सकेंगे नहीं भैया, हमारे से नहीं जमे वो सब। महिलाओं को ही कहा जाता है ना कि साड़ी पहनो, साड़ी में महिला अच्छी लगती है। सब हमारे मोहल्ला के मन इसने पहनते हैं, बहु बेटी मन है, बहु ये मन है। हम अगर बात करें पुरुषों की, तो कभी ना कभी तो पुरुषों की भी कोई दूसरी ड्रेस रही होगी, उनकी भी परंपरागत कोई पोशाक रही होगी, लेकिन वो तो बदल गए, जीन्स में आ गए, शॉर्ट्स में आ गए, छोटे हाफ चड्डा जिसको बोलते हैं उस वो पहन रहे हैं, टी शर्ट पहन रहे हैं। गर्मी है तो वो सैंडो ही पहन के बाहर निकले जा रहे हैं, लेकिन महिलाओं को अभी भी वही पूरी 12 मीटर की साड़ी, 10 मीटर की साड़ी लपेट के ही रहना है, या पूरा फुल सूट ही पहन के रहना है, गर्मी हो ठंड हो बरसात हो, उनको जो कपड़े पहनने हैं वही पहनना है। और लड़कियां जो बदल भी रही हैं, तो उन्हें ड्रेस बदलने में उनको बहुत सारी चीज़ें सुननी पड़ती हैं, बहुत बातें सुननी पड़ती हैं, तब कहीं जाके वो अपनी जो परंपरा ड्रेस है उसका जुड़ाव जो है वो बदल पाती हैं, छोड़ पाती हैं। तो अभी भी मेन तो साड़ी को ही लोग मानते हैं, साड़ी में महिला खूबसूरत दिखेगी, साड़ी जरूरी है पहनना, साड़ी ही पहननी चाहिए, और महिला को किसी दूसरे ड्रेस में पुरुष या समाज देखना ही नहीं चाहता। मतलब हमारे माता जी होते हैं, जैसे मैं शादी किया तो मेरे माता जी बहू की कहलाएंगे उनके, मेरी मिसेस को, तब वो मेरे ऊपर है वो सूट पहने या साड़ी पहने, वो मेरी समस्या है, चाहे मेरी मम्मी को अच्छा लगे ना लगे, अब वो उनकी समस्या है, लेकिन जो मेरे को अच्छा लगेगा मैं बोलूंगा ना उनको। लेकिन समाज भी तो बोलता है ना, आपको अच्छा लग रहा है, मेरे को समाज की दिक्कत नहीं है ना, मैं अपनी देखूंगा, मेरे को समाज की परवाह नहीं है ना। मन होता है कभी कुछ और पहनने का? कुछ और पहनने का मन नहीं, पहनने का मन नहीं लगता, सूट सब पहन बोल रहे पहन लो, मन नहीं पहनता। अगर पहनोगे तो और आस पड़ोस के लोग कुछ कहेंगे? हाँ क्या अभी साड़ी पहना तो सूट पहना था, ऐसे ही शुरू से पहनते सूट तो सूटेज पहनते नहीं। मैं तो पहले मराठी साड़ी पहनती थी, अब ये कौन सी है? ये तो गोल साड़ी है। है तो साड़ी, चाहे मराठी हो चाहे बंगाली हो चाहे बिहारी हो, कोई भी साड़ी तो साड़ी है, साड़ी है ना, पहनते तो साड़ी ही है। क्यों साड़ी ही पहनना है, सूट नहीं पहना कभी? नहीं नहीं, पैंट शर्ट पहना कभी? नहीं नहीं। क्यों नहीं पहनते? नहीं मन हुआ पहनने का? मन नहीं, शुरू से नहीं पहनते ना, तो क्या पहनेंगे, सूट पहनते? पहनने भी नहीं दिया किसी ने? नहीं नहीं, मैं तो यही पैसे पहन रही हूँ। अगर पहनती तो क्या होता, कोई कुछ कहता क्या? नहीं, अच्छा नहीं दिखता। अच्छा नहीं, लोग कहने में लगते हैं कि लो भाई सूट पहन रही है, बोलते हैं भाई लोग बोलते हैं सूट पहन के आओ। नहीं नहीं मैं नहीं पहनती, क्या करूँगी पहन के? साड़ी में आराम मिलता है? साड़ी में आराम मिलता है, आदत हो गई अब। आदत हो गई। और अगर कोई महिला लड़ झगड़ के या चुनौतियों का सामना करके किसी तरह से वो बदल रही है और दूसरी ड्रेस पहन रही है, तो उसे बहुत सारा समाज से, परिवार से,
पति से, पिता से बहुत सी बातें सुनने के बाद ही वो अपने आप को बदल पाती है या दूसरी ड्रेस में वो बाहर निकल पाती है। तो जींस आदमी चले तो कौन पहनेगा, क्यों नहीं पहन सकते हैं औरत? अब जिसको शौक है वो पहनते हैं, सभी तो नहीं पहन रही ना। नहीं, आदमी तो बुड्ढे भी बदल गए। बुड्ढे भी बदल गए है ना, आदमी तो बूढ़े जो हैं वो भी पैंट में आ गए, जींस में आ गए, टी शर्ट में आ गए, छोटा लगता है। और औरतें तो अभी साड़ी में चली आ गई। अब तो लड़के लोगों का तो दिन बाद जींस पैंट पहनते हैं, अब नहीं पहनते, अब सूट भी पहनना छोड़ देंगे। वही लड़की छोटे कपड़े पहन के चलेगी तो फिर लोग क्या कहेंगे? हंसते हैं, बोलने वाले बोलते हैं, पीछे बोलते हैं, मुंह पर नहीं बोलते। और उतनी समझदारी लड़की होनी चाहिए, बड़ा फुल कपड़ा पहने। हाँ, लड़का पहने तो कोई बात, लड़का को तो चल जाता है जी, लड़की को नहीं चलता। तो दोस्तों कैसा लगा आपको मेरा ये शो? अगर आपको मेरा ये शो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को दोस्तों में शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर है आपके पास ऐसा कोई मुद्दा तो हमें कमेंट करके बताएं, हम आपके बताए गए मुद्दे को अपने शो में जरूर शामिल करेंगे। तो चलती हूँ मैं, फिर आऊंगी एक नए मुद्दे के साथ, नारीवादी चश्मे के साथ। खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा।